को हेलो यू आर वेलकम टू एमबीएस डायरीज। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फेशियल नर्व। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये है हमारी सेवेंथ क्रैनियल नर्व, और ये जो टाइप ऑफ नर्व है ये मिक्स नर्व होती है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व का एक ये वाला डायग्राम और उसके कुछ ब्रांचेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन और अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी पड़ती है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व से। तो सबसे पहले हमने टंग पढ़ा था। तो टंग में आप लोग ने पढ़ा था कि जो टंग होती है कैरी करती स्पेशल सेंसेशन ऑफ द टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो ये होगा स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर। तो सबसे पहले जो टंग है वो आपकी विसरा है और ये कैरी कर रही है, इसलिए एफरेंट होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा है फेस देखा था, तो फेस में विसरा था हमारा, फेस एक विसरा है तो एक विसरल हो गया। और जो ये क्या करी, सप्लाई कर रही है, तो सप्लाई करेगी इसलिए एफरेंट होगी। देखिए यहाँ पे भी सप्लाई कर रही है इसलिए एफरेंट हो गई, और जहाँ पे भी कैरी कर रही है तो एफरेंट कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फेस था, तो फेस में कहेंगे स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर। तो ये सप्लाई करती है मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस को। फिर आपका है जनरल विसरल एफरेंट फाइबर, तो सप्लाई करेगी सिक्रेटोमीटर मोटर फाइबर टू लैक्रिमल सब मैंडुबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स को। उसके बाद आपका है जनरल सोमेटिक एफरेंट फाइबर, ये बेसिकली कैरी कर रही है जनरल सेंसेशन फ्रॉम द स्किन ऑफ द ऑरिकल से। अब हम लोग देखेंगे ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इसमें जो होता है बेसिकली फेशियल नर्व रूट जो होती है उसमें दो तरीके के होंगे, मोटर रूट और सेंसरी रूट। इसके बाद ये अराइज होता है पॉन्टो मैंडुलरी जंक्शन से। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे अब ये आपका मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है, तो ये अराइज हो रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं, पॉन्टो मैंडुलरी जंक्शन से। फिर इसके बाद ये चला जाता है एंटर्स द इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। फिर ये एंटर करता है इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स को। फिर एट बॉटम ऑफ इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स टू रूट यूनाइट टू फॉर्म ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व। तो यहाँ पे ट्रंक बन रहा है फेशियल नर्व का। फिर नर्व टर्न टूवर्ड्स द मीडियल वॉल, ये याद रखना, मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर। इसका डिसेंट फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर। फिर ये एग्जिट थ्रू द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, ये खूब इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो देख लेते हैं फेशियल नर्व का जो रूट होगा दो होगा, मोटर रूट सेंसरी रूट, फिर अराइज होगी फ्रॉम द पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन, फिर एंटर कर जाएगी इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स में, फिर एट द बॉटम ऑफ इंटरनल एकॉस्टिक मीटर दो रूट यूनाइट हो जाएंगे, फॉर्म करेंगे ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व। फिर नर्व टर्न टुवर्ड द मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर, फिर ये नीचे जाएगा तो डिसेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर, फिर ये एग्जिट कर देगा स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से। अब इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये मिड ब्रेन है, पॉन्स और मेडुला, और जो पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन है यहाँ से ये फेशियल नर्व अराइज होती है। इसमें दो आपको दिख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का है मोटर रूट है, और जो ब्लू कलर का है ये आपका सेंसरी रूट है। ये दोनों फॉर्म यूनाइट होंगे और ये एक्चुअली ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व बनाते हैं। फिर ये जो बॉक्स टाइप ऑफ स्क्वायर टाइप दिख रहा है आपको, ये है हमारा मिडल ईयर। तो इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये एंटर इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स में एंटर कर जाता है, उसके दो रूट जो फॉर्म करता है। उसके बाद ये आ जा रहा है यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर में। इसके बाद ये नीचे आ जा रहा है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में। उसके बाद ये नीचे जा रहा है अपने टर्मिनल पैरोटिड ग्लैंड में, ये अपने टर्मिनल ब्रांचेस दे देगा। तो टर्मिनल ब्रांचेस पहले देख लेते हैं जो सबसे ईजी हैं। तो उसमें टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडुलर और सर्वाइकल, इसकी ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, निमोनिक्स है तू ज़्यादा बकवास मत कर से। तो टू से हो गया टेम्पोरल, ज़्यादा से जाइगोमेटिक, बकवास हो गया बक्कल, मत से हो गया मार्जिनल मैंडुलर, कर से हो गया सर्वाइकल। इस तरह इसको याद कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपने देख लिया, ये मिडल ईयर है, मिडल ईयर के पोस्टीरियर वॉल से हमारा फेशियल नर्व डिसेंड कर जाता है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके ब्रांचेस के नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि एनुमरेट में भी पूछा जाता है और वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे। टर्मिनल ब्रांचेस हमने देख लिया है, पैरोटिड ग्लैंड में आपने देखा था कि जैसे ये जब आता है एग्जिट करता है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से, फिर ये एंटर कर जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड के बाद ये चला जाएगा टर्मिनल ब्रांचेस में। तो ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन पूछा जाएगा, तो आपको ये एक चार्ट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। टर्मिनल ब्रांचेस हमने देख लिया है, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडुलर, सर्वाइकल। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो सबसे पहले तो ये ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व है, इसके बाद ये आगे जाती है हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। आगे ये हमारा टेरिगॉइड कैनाल, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टेरिगॉइड कैनाल। उसके बाद इसमें जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है ये हमारी डीप पेट्रोसल नर्व, और जो ऊपर ग्रीन कलर का है वो है हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो ये दोनों
एक्चुअली यहाँ पे ये हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, तो डीप पेट्रोसल इसको वाइंड राउंड करके जाती है आगे, फिर ये आगे जब आएगा तो यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है, टेरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन। इसके बाद ये आगे चला जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड में। लैक्रिमल ग्लैंड का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड ब्रांच की, तो है नर्व टू स्टेपिडियस। तो ये मिडल ईयर था, मिडल ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रांच जा रही है यहाँ पे, ये है नर्व टू स्टेपिडियस। तो इसके बाद थर्ड जो आती है आप लोग देख सकते हैं, थर्ड जो नर्व होती है कॉर्डा टिम्पेनी नर्व होती है। तो हमने सबसे पहले देख लिया ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, उसके बाद ये थी हमारी नर्व टू स्टेपिडियस, अब तीसरी है हमारी कॉर्डा टिम्पेनी नर्व। कॉर्डा टिम्पेनी नर्व आप लोग को पता है ये आगे जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है और ये सप्लाई करती है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। फिर ये जब आगे जाएगी यहाँ पे हमारी सब मैंडिबुलर की लिंगुअल नर्व है, और ये जब आगे जाती है तो ये सब लिंगुअल ग्लैंड है हमारा, आगे ये टंग को सप्लाई करेगी, हम लोग टंग में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व होती है, और नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक और नर्व टू स्टाइलोहायोइड। तो ये तीनों को हम लोग याद रखेंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं, जब ये स्टाइलोमास्टॉइड से नीचे जा रही है तो यहाँ पे एक ये ब्रांच देगी जिसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ये बेसिकली सप्लाई करेगी आपकी ऑसिपिटेलिस मसल की। तो उसके बाद ये नर्व है ये देती है दो ब्रांचेस, तो एक ब्रांच का इसका नाम है नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक, और दूसरा जो है इसका नाम है आपका नर्व टू स्टाइलोहॉइड। तो मसल का नाम इसमें क्या होगा, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक हो गई और ये स्टाइलोहॉइड मसल हो गई आपकी। उसके बाद जो ये हमने देखा था यहाँ पे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन था, तो ये यहाँ पे सप्लाई करेगा ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होगा। और इसके बाद ये टंग जो होती है कॉर्डा टिम्पेनी, टंग को आपने पहले ही देखा कि टंग जो होती है उसका एंटीरियर 2/3 का सेंसेशन जो होता है वो सप्लाई करती है कॉर्डा टिम्पेनी, और कॉर्डा टिम्पेनी किसकी ब्रांच है, हमारी फेशियल नर्व की ब्रांच है। तो ये उसका ओवरऑल इसके ब्रांचेस हैं, इसके नाम आप लोग अलग से याद कर लेंगे अच्छे से, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व टू स्टेपिडियस, कॉर्डा टिम्पेनी नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, नर्व टू द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, नर्व टू द स्टाइलोहॉइड, और टर्मिनल ब्रांचेस टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल।